विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं श्रद्धा भक्ति की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी धाम क्षेत्र में पहुंचकर नशे इत्यादि का सेवन कर हुड़दंग मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जनपद पुलिस के स्तर से अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा अशोक बदाड़े ने कहा कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत धाम में मंदिर परिसर के 50 मीटर दायरे में सोशल मीडिया रील वीडियोग्राफी आदि बनाने पर रोक है। सोशल मीडिया रील्स बनाने वाले 44 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही धाम क्षेत्र में नशा कर हुड़दंग मचाने वाले 59 व्यक्तियों के विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 30,000 का अर्थदंड भी वसूला गया है। वहीं रुद्रप्रयाग पुलिस ने तीर्थ यात्रियों से धामों की पवित्रता बनाए रखने की अपील की है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में जो धाम की मर्यादा है उसको बनाए रखने के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा धाम परिसर एवं यात्रा रूट पे चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो केदारनाथ धाम परिसर में अशोभनीय कृत्य करते हैं, अशोभनीय रील बनाते हैं, उनके ऊपर रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंतर्गत अभी तक रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा 84 जो है वो पुलिस एक्ट में चालान 84 व्यक्तियों के किए गए हैं। साथ साथ जो वहाँ पे नशे का सेवन करते हैं या सिगरेट बीड़ी आदि का सेवन करते हैं और धाम की मर्यादा का भंग करते हैं उसके हमारे 59 जो है चालान पुलिस द्वारा किए गए हैं। इसके तहत टोटल जो अगर हम देखेंगे तो 143 चालान जो है अभी 10 दिनों में पुलिस द्वारा जो केदारनाथ धाम में किए गए हैं। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि धाम की मर्यादा को बनाए रखें, धाम में धाम जैसी पवित्र जगह पर जो है अच्छे ढंग से बर्ताव करें और धाम की जो मर्यादा है उसको बनाए रखें।